राजस्थान को रेगिस्तान, मरुभूमि, जलविहीन भूमि या फिर सूखे रेत का समुद्र, किंतु यही वह भूमि है जिसे वीरों ने अपने लहू से सींचा है, जिसे योद्धाओं ने अपने बलिदान से गौरवान्वित किया है, और यही रेगिस्तान की वह मरुभूमि जहाँ श्री कृष्ण के प्रेम में अपना सर्वस्व भुला देने वाली मीरा का जन्म, जहाँ सूखे रेत को प्रेम रस से तृप्त कर देने वाले मीराबाई के गाए जाने वाले तराने आज भी भाव विभोर कर देते हैं, राजस्थान राज्य की एक छोटी सी रियासत मेवात की राजकुमारी मीरा, जिनके पिता का देहांत शीघ्र ही हो जाने के कारण उनके दादाजी एवं माताजी ने उनका पालन पोषण किया। एक दिन बाहर एक बारात जा रही थी। मीरा अपनी माँ से पूछती है, माँ ये क्या हो रहा है? माँ तुरंत उत्तर देती है, बेटी ये शादी हो रही है, ये जो लड़का है ये एक दूल्हा है। ये किसका दूल्हा है? पास में जो दीदी रहती है ना उनका दूल्हा है। तभी मीरा अपनी माँ से पूछ बैठती है, अरे फिर मेरा दूल्हा कहाँ है? माँ कृष्ण की मूर्ति मीरा को देते हुए उसका मन बहला देती है और कह देती है, यही तुम्हारा दूल्हा है। तत्पश्चात मीरा कृष्ण से ही प्रेम करने लग जाती है और उसका पहला प्यार कृष्ण ही बन जाते हैं। इन सबसे दूर कृष्ण की नगरी वृंदावन जाने का निर्णय लेती है।